बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थोड़े ही दिन बचे तो नर्वस एक्साइटेड क्या फील कर रहे हैं? नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर चीज़ का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो नर्वसनेस किस बात की? आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलना चाहें, इवन आई एम ओके विद इट, बिकॉज हमें पता है हमने क्या बनाया है और पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से बनाया है, तो कॉन्फिडेंस है अपने फिल्म पे। हाँ, काफ़ी एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा नर्वस, बस ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। वो क्या होता है ना, जब तक आप थिएटर तक फिल्म नहीं पहुंच जाए तब तक थोड़ा लगता है कि अरे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने फिल्म बनाई है, देखी है डब करते वक्त, या वैसे भी फिल्म रफ स्केचेस पर देखी है, तो फिल्म काफ़ी अच्छी बन गई। शूट करते वक्त भी बहुत मज़ा आया। बेस्ट पार्ट हमारी फिल्म का ये है कि जितने भी हम जब शूट कर रहे थे, हम एक्ट्रेस तो एक दूसरे के बात करते ही हैं, लेकिन कास्ट एंड क्रू, जो पीछे वाले लोग थे, वो सब कहते थे यार ये बंदा तो इसी रोल के लिए बना है, इससे बेटर नहीं कर सकते। जैसे पिया, पिया ने जो जूली शुक्ला का जो रोल प्ले किया है, एंड राजन पांडे, चंदन, एवरीवन, मतलब जो हमारी फिल्म है, वो लगता है कि इस ये बंदे से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। तो जब आपको हर आदमी को ये लगने लगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो फिल्म का फ्लेवर क्या होगा। तो आपको ये बहुत ही क्यूट सी, एक स्मॉल टाउन की क्यूट सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी, और आपको लगेगा कि हाँ आपने रियल बंदे देखे हैं वहाँ के। सब पास की मूवी देखा जाए तो रंग में भी, लाल रंग में भी आपने ऐसे ही कैरेक्टर निभाए थे, और आपने भी इसके पहले आपका मतलब काम और एकदम सोफिस्टिकेटेड बॉय रहा है, तो निजी जिंदगी में आप कैसे हैं? वैसे ही है या? तो ये कि लाल रंग में ऐसा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, वो अलग था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एंड द गर्ल फ्रॉम सहारनपुर, एंड जूली शुक्ला से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और निजी जिंदगी में सहारनपुर की पूनम तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं है। और मिर्ज़ा जूलियट की जूली शुक्ला बहुत हद तक हूँ, एक दो चीज़ें हैं जो नहीं है। जैसे कि जैसे कि थोड़ा बताना चाहे तो, जैसे कि गाली गलौज नहीं करती हूँ, बिंदास तो वैसी हूँ जैसी आप फिल्म में देख रहे हो, इसीलिए वो इतना बिलीवेबल लग भी रहा है, अंदर की सब निकल के आई है। और बस ये बस गाली गलौज नहीं, बाकी सब है। जैसे आप बोल रहे हैं कि गाली गलौज नहीं देते हम नीचे नीचे नहीं, तो मतलब सीन करने के टाइम पे आप थोड़ा नर्वस थे या? मुझे सीन करने के टाइम पे नहीं, जब मैंने फिल्म का ऑडिशन दिया था मैं बहुत नर्वस थी। जोगी मलांग सर ने मेरा ऑडिशन दिया था इस फिल्म के लिए, जोगी मलांग इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर, बेस्ट, या इज वेरी नाइस, उन्होंने लिया था। तो ऑडिशन देते समय जब मैं बाकी के लाइंस बोलती थी तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, गालियों में चूहा बन जाती थी, एंड ऐसा ही मेरा सीन के टाइम पे भी होता था। तो मैंने फिर गालियों की रिहर्सल की, मतलब मैं अपने आप से रिहर्सल करती रहती थी। उससे मैं, अगर मेरे एक दो फ्रेंड्स का फोन आ गया, उनको भी देख के देखा कि बता रहे भाई जरा नेचुरल लग रहा है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा गाली में, ऐसा लग रहा है कि मैं डेली देती हूँ। मतलब ये नहीं लगना चाहिए ना कि फेक लग रहा है गालियाँ देना, वो बहुत गंदा लगता है, या फिर बहुत बल्गर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अगर आपने ट्रेलर देखा है तो उसमें कुछ भी गंदा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि शिट क्या बोल दिया, तो बहुत फ्लो में जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, तो वो मुझे वो उसके लिए रिहर्सल करनी पड़ेगी ऑफकोर्स। मेरा, मैं मिर्ज़ा प्ले कर रहा हूँ, मिर्ज़ा में यू नो उसका बचपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है, और तो जब इस तरह के बंदे कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जब वो प्यार में पड़ता है तो वो रियल उस जोन में जा सकता है नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो उसके लिए मैं साइकेट्रिस्ट से मिला, उनसे डिस्कस किया इसके बारे में, और उसको डेवलप करने में टाइम लगा इस कैरेक्टर को। एंड अदरवाइज मैं मिर्ज़ा के आसपास, जैसे वो क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ तो मिर्ज़ा के आसपास मैं कहीं नहीं हूँ, क्योंकि मिर्ज़ा की स्टोरी ही एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, और जब वो प्यार में पड़ जाता है तो इतनी सारी उसके यू नो जो कुछ होता है, वो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन रिवील हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो उसकी थोड़ी बहुत सोच है प्यार को लेके, कि वो बहुत ही उसकी उसको है लगता है कि पहले प्यार होगा, फिर शादी होगी, फिर आगे जो, तो हाँ उसमें मैं भी बिलीव करता हूँ, यू नो सो प्यार सबसे पहले वो होता है, टॉप पे होता है। तो आई थिंक उस वे में मैं उसके काफ़ी नज़दीक हूँ, अदरवाइज मैं मिर्ज़ा के कहीं आसपास हूँ। प्यार की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? प्यार की परिभाषा ये है कि यू नो प्यार जब एक दूसरे से होता है तो एक दो सोल्स मिलती हैं, यू नो आप हर चीज़ से हर वे में कनेक्ट होते हो, और जब प्यार हो जाता है तो कुछ समझ नहीं आता है। आई थिंक इसकी डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता कि प्यार क्या है एग्जैक्टली, बट आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ वर्ल्ड में वही है। यार प्यार की एक्चुअली उन्होंने सही बोला, कोई परिभाषा नहीं होती, मेरे लिए कोई अलग डेफिनेशन, आपके लिए कुछ अलग होगी, उनके लिए कुछ अलग होगी, तो वी कान डिफाइन लव, बट द थिंग इज लव हैज ऑल द पावर ऑन यू, वो आपको
बना भी सकता है, वो आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है. देयर इज नथिंग इन बिटवीन. ऐसा नहीं होता कि सुबह आप हंस रहे हो, रात को आप रो रहे हो. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इधर तो इट हेल्प्स यू सो मच. इट यू जस्ट ग्रो इन लाइफ व्हेन यू इन लव. और आप फिर या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हो. दैट्स द लव. मैम आपकी ट्रेलर देख के बहुत ही हद तक कंगना की जो मूवी है रिवॉल्वर रानी उसके जैसी मिलती है. इज इट? यस. नो आई डोंट थिंक सो. उसमें थोड़े मैम का बोल्ड एंड बिंदास है और आपका नहीं, काम है उसमें भी ऐसे ना ऐसा हमारा कोई कुछ नहीं है उस वो फिल्म मैंने देखी है. हमारा उससे कोई लेना नहीं. और रिवॉल्वर रानी आप रिवॉल्वर और गन देख ली इसलिए बता रहा हूं. दैट्स इट. अदरवाइज जूली शुक्ला बहुत इनोसेंट है. बहुत ही यू नो उसमें एक स्मॉल टाउन की लड़की का जो एक ब्यूटी होती है क्यूटनेस और जो एक बिंदासपन होता है वो है. अदरवाइज उसमें नो नो शी वाज प्लेइंग अ लिटिल बोल्ड एंड दैट या बट यू आर नॉट उसके आसपास भी नहीं हो. वो अलग है बिल्कुल. टैब्लॉइड में ऐसे आ रहे कि आपका सिमिलर है वैसे. नो 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 वो अज्यूम कर लिया होगा. अज्यूम कर लिया उन्होंने. लोग बहुत कुछ अज्यूम करते रहते हैं. नो नो इट्स नथिंग लाइक दैट. नथिंग. दूर दूर तक लेना देना नहीं है. एक ट्रेलर में जैसा आप फ्लो में गए हैं एकदम जो उसमें बहुत सारे जैसे देखा है तो बोल्ड एंड बिंदास आपने वर्ड यूज किए हैं. तो मतलब वैसे ही बोला था मैंने गालियां दी ना उसको. नहीं नहीं हां वैसे मैं बोल रहा हूं सेक्स के बारे में बात किया. नहीं नहीं उसके हिसाब से तो शूट के टाइम पे कैसा माहौल था. मतलब ऐसा जब सीन होता नॉर्मल था बिकॉज़ हमारे जब हम शूट कर रहे थे तो जब भी मैंने ये वर्ड यूज किया कोई हवा नहीं क्रिएट हुआ है. बिकॉज़ आप ट्रेलर देख रहे हो तो आपको अंदाजा नहीं लग रहा. जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा किस फ्लो में ये सब हुआ है. इतने ब्यूटीफुल तरीके से और इतने फ्लो में गया है कि इट लुक्स सो नॉर्मल बिकॉज़ द गर्ल इज वेरी नॉर्मल. जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं राइट. अगर मैं अपनी नाक में एक स्टड पहन लूँ तो आपको बड़ा फैशनेबल लगेगा. पर अगर वो एक गांव में कोई गांव की औरत पहनी होगी तो वो आपको ट्रेडिशनल लगेगा राइट. तो हर चीज़ के सेम चीज़ के दो पहलू होते हैं. तो बोल्डनेस हैज़ अ डिफरेंट पहलू दैट्स कॉल्ड इनोसेंट ऑल्सो. तो जब एक बच्चा कोई सेक्स करता बोलता है तो हमें नहीं लगता हाँ बच्चा कितना बोल्ड है. आपको लगता है उसको पता ही नहीं कि क्या है. तो द जूली इज़ दैट किड. जूली को पता ही नहीं है सब क्या है. तो सेट पर कोई माहौल था ही नहीं बिकॉज वॉज सो नॉर्मल. को ऐसा नहीं था कि मैंने जब बोला कि अरे तुझे सेक्स के बारे में पता है क्या तो आधे लोगों ने मुंह छुपा लिया. नथिंग हैपेंड लाइक दैट. आज के दौर में देखा जाए तो ये तो नॉर्मल ही है. पर ये सेंसर बोर्ड नहीं लेती है. सेंसर बोर्ड ये चीज में बहुत ही स्ट्रिक्ट है. यहाँ पर सेंसर या तो सीन काटने बोलती है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दैट सेंसर का जॉब वो अपना जॉब करेगी. हमने अपना कर दिया वो अपना काम करेंगे. क्योंकि सेंसर के मतलब ऐसा बोर्ड कटिंग के वजह से मतलब डायरेक्टर अपनी व्यू रख नहीं पाते. अपना मतलब खुल के नहीं रख पाते. उनको दिखाने के पहले सोचना पड़ता है क्या सेंसर क्या सोचेगी या बनाने के बाद कट कर देगी. क्या बोलेंगे हर कोई अपना अपना काम कर रहा है. सेंसर अपना काम करेगा वो जो बोलेगा वो हम करेंगे. बहुत सारे सीन हमारे फिल्म में ऐसे कोई सीन नहीं है इसलिए कुछ भी ऐसा कट. ज्यादा सीन नहीं है. जो आपने थोड़ा बहुत जो देखा है वही सब है. जो कुछ आप बोल रहे हो जितना आप अज्यूम कर रहे हो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है. हमारी फिल्म बहुत ही क्यूट लव स्टोरी है. नॉट डन नथिंग गोना कट. हाँ क्योंकि अभी तो अभी के दौर में दर्शक तो ऐसे ये नॉर्मल ही चीज है उनके लिए. It's a normal thing, normal. हिसाब से ये थोड़ा वल्गर है ये. नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म में. दो वरी परेशान ना हो जो ट्रेलर में दिखा फिल्म में दिखेगा. वही कहना चाह रहे. और दर्शक को क्या कहना चाहिए मैम? मैं यही बोलूंगी कि बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है. और स्मॉल टाउन की लव स्टोरीज जो होती हैं वहाँ पे लड़की लड़के लड़कियों को जैसे धीमे धीमे प्यार होता है और सब उन चीज़ों के ऊपर है. जो चीज़ें अब थोड़ी सी फेडेड फेड सी हो रही हैं थोड़ी अभी मॉडर्न होने के चक्कर में ग्रूम होने के चक्कर में. तो आप लोग प्लीज़ जाओ थिएटर में और फिल्म देखो. आई एम श्योर आपको पसंद आएगी क्योंकि सब फिल्म का डायरेक्शन से लेके जिस तरह का फिल्म का एक लुक आया है म्यूज़िक है सब कुछ बहुत ही अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो प्लीज़ गो टू थिएटर. या सेम थिंग लाइक हमने बहुत दिल से फिल्म बनाई है और हमें उम्मीद है आपके दिल तक उतरेगी. एक बहुत क्यूट लव स्टोरी है. एंड आज की आपकी हमारी इस युग की लव स्टोरी है जहाँ यूथ कम यू नो कंफ्यूज है प्यार को लेके. जहाँ पर प्रैक्टिकल भी है तो समझ नहीं आता किस तरफ जाएं क्या करें. तो कन्फ्यूजन से भरी लॉट्स ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट इस फिल्म के अंदर है. और आपको मैं पक्का यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा इस फिल्म को देख के. तो 7 अप्रैल को प्लीज़ आप अपने नज़दीक या थोड़े दूर के जो भी सिनेमा घर हैं वहाँ जाएँ और जाके इस फिल्म को देखें. और आई एम श्योर यू गाइज़ विल एन्जॉय दैट. थैंक यू. थैंक यू.